मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर की ऊधम सिंह नगर जनपद पहुंचे, जहां पहले दिन काशीपुर और खटीमा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं दूसरे दिन रुद्रपुर नगर निगम में आयोजित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जो कि 15 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने मुख्यालय की 2 सड़कों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की सरकार विकास की ओर अग्रसर है। 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। रुद्रपुर में मल्टीनेशनल पार्किंग, जल भराव की समस्या, यूपी उत्तराखंड की बॉर्डर पर प्रवेश द्वार और नेशनल हाईवे 87 को सिडकुल तक ग्रीन बेल्ट के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। वो लीड लेकर आपदा के राहत के काम को करें और जहां भी प्रभावित हो गए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, सभी विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करें। और आज रुद्रपुर शहर में जो तमाम जो हमारी यहां पर आज योजनाएं बढ़ी हैं और ये कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में बनी है, इससे आने वाले समय में हमारा ये शहर स्वच्छ और हरित शहर बनेगा और साथ ही साथ जाम की समस्या से भी इसको निजात मिलेगी। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर आने वाले समय में बनेगी। इसके साथ साथ ड्रेनेज का एक बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसके लिए भी। और जो हमारा मोदी मैदान है, मोदी मैदान आने वाले समय में एक अच्छे स्टेडियम का रूप धारण करेगा। इन सभी जो आज योजनाएं और उत्तराखंड का चूँकि रुद्रपुर हमारा प्रवेश करने वाला प्रमुख शहर है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोगों को उनके लिए यहाँ पर हमें